और लेन निर्माण में जुटी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा सोलन की सब्जी मंडी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि करीबन एक वर्ष पहले जब फोर लेन निर्माण के लिए सब्जी मंडी के बाहर खुदाई की गई तो उनके पीने की पाइप पूरी तरह से टूट गई है और यहां आने वाले किसानों और आढ़तियों के हलक सूखने लग गए हैं। टमाटर और सेब सीजन में चरम सीमा पर था, इसलिए आनन फानन में उच्च अधिकारियों ने पानी खरीदने के लिए निर्देश दिए। एपीएमसी अधिकारियों ने पानी खरीदना आरंभ कर दिया, वहीं दूसरी ओर फोर लाइन कंपनी और अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी करवाया, जिस पर उन्हें पाइप ठीक करवाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद सब भूल गए। लेकिन बीते इस वर्ष में एपीएमसी पानी खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुकी है और स्थिति जैसे की तैसे ही बनी हुई है और पानी खरीदने का सिलसिला जारी है। जब इस बारे में एपीएमसी के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे पिछले काफी समय से जिला प्रशासन और उच्च राज्य मार्ग परियोजना निदेशक को इस स्थिति के बारे में अवगत करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे अभी तक पानी के लिए 7 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि फोर लेन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने मजबूरन इसे ठीक करने के लिए नगर परिषद को आग्रह किया गया है। उन्होंने उसको ठीक करने के लिए अब 2,57,000 रुपए का खर्च और बताया है। इसके लिए वे चाहते है कि फोर लेन निर्माण में जुटी कंपनी पानी के खर्चे का पैसा और पाइप की मरम्मत का खर्च सारा वहन करे। फोर लेन निर्माण में जुटी कंपनी कैसे मनमानी कर रही है उसका नमूना आप खुद देख रहे हैं। जिला प्रशासन के आदेशों के निर्देशों के बाद भी ना फोर लेन निर्माण में जुटी कंपनी और ना ही उच्च राज्य मार्ग परियोजना निदेशक इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये हाल प्रदेश के सरकारी तंत्र के साथ हो रहा होता तो आम आदमी की क्या सुनवाई हो रही होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सोलन में कांग्रेस ने वार्ड नंबर 4 पे अपने प्रत्याशी किरण कुमारी का नामांकन करवा दिया है। काफी समय से कई नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन कांग्रेस ने अपना पत्ता अंतिम दिन खोल ही दिया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद के साथ उपायुक्त कार्यालय में नामांकन करवाने पहुंचे। नामांकन के माध्यम से कांग्रेस ने भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4 बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, यहां ज्यादातर कांग्रेस समर्थित पार्षद ही रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा समर्थित स्वाति भी मैदान में है। पिछले चुनावों में वह दूसरे स्थान पर रही थी, इस बार वह किरण कुमारी को कितनी टक्कर दे पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है और रेखा के मैदान में उतरने से मुकाबले का त्रिकोणीय हो गया है। इस चुनाव को जीतना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि हवा का रुख किस ओर होता है। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि पहले भी इस वार्ड में कांग्रेस समर्थित पार्षद राजीव ठाकुर ने यहां विकास की गाथा लिख चुके हैं, जिसे आज तक वार्ड नंबर 4 के मतदाता भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब उनकी पार्टी ने किरण कुमारी को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं बाढ़ की सड़कें ठीक करवाना और पानी की उचित व्यवस्था कर साफ सफाई का उचित प्रबंध करना है, ताकि किसी को भी किसी तरह की असुविधा ना हो और वार्ड नंबर 4 आदर्श वार्ड नंबर बनकर शहर में उभरे। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने भाजपा को गिरते हुए कहा कि भाजपा ने वार्ड नंबर 4 में विकास नहीं किया, बल्कि विकास के कार्यों में अडंगे ही अटकाए हैं। उन्होंने कहा कि आज समूचे सोलन में सभी विकास के कार्य ठप पड़े हैं। पार्किंगों का निर्माण नहीं हो पाया है, फुटपाथ तक नहीं बने हैं, नालियों को ढकने का कार्य नगर परिषद नहीं कर पाई है। इसलिए अब सोलन की जनता जान चुकी है कि वह चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी जेर होगी।